नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इसके सिंपल फूड में। तो आइए, आज मैं एक पानी पूरी की पानी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा कोई भी रेसिपी आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, इस कोरोना वायरस के टाइम हम घर में बंद है, तो घर के ही घर सामानों से मैं कुछ चीज़ें बनाती हूँ और आपको शेयर कर रही हूँ। तो घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए मैंने ये इमली भिगो के रख ली है, और ये है मेरा पुदीना, धनिया, मिर्च और अदरक का पेस्ट। ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रख रही हूँ, क्यों बच्चे अभी रहेंगे कुछ दिन घर में, तो उनको चाहिए कुछ ना कुछ। और चाहिए हमें काला नमक, हींग, ये भुना पिसा जीरा, और ये चाहिए थोड़ा अमचूर, नमक जो हम डेली यूज करते हैं, लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, पानी। तो दोस्तों, काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों ही डालेंगे, तो काला नमक से थोड़ा स्वाद आता है। और चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आधा लीटर पानी ले रही हूँ, और उसमें 2 से 3 चम्मच जो मैंने ये चटनी बना कर रखी है, हरी चटनी, ये डाल रही हूँ। इस चटनी में है पुदीना, धनिया, मिर्च और अदरक। तो चलिए इसे मिला लेते हैं अच्छी तरीके से, और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें इमली की जो मैंने पेस्ट बना कर रखी है। मैं हमेशा पेस्ट बना लेती हूँ पानी में भिगो के इमली को, और फिर उसको खौला के गाढ़ा कर लेती हूँ, उसमें कुछ नहीं डालती मैं। तो इसको भी मैं 3 से 4 चम्मच डालूँगी। आप ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो और डालिएगा। अभी मैं अमचूर भी डालूँगी तो ये ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो 3 चम्मच बहुत है, क्योंकि ये मैंने खोला के गाढ़ा कर लिया है इसके पेस्ट को। और ये डाला मैंने सिंपल नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च पहले डाल चुके हैं दोस्तों चटनी में, इसलिए मिर्च कम डालिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और ये हींग, और अब डालेंगे काला नमक। तो दोस्तों, घर में बैठे बैठे जो घर में चीज़ें उन्हीं से मैं कुछ ना कुछ बना रही हूँ, और मैं आपको शेयर कर रही हूँ मेरी काला नमक। तो दोस्तों, याद रखिएगा, बाहर नहीं जाना है प्लीज़ दोस्तों, अपनी बचाव अपने हाथों में है हमारे। तो चलिए इन सबको मिक्स कर लेते हैं, और इस टाइम मैं डालूँगी भुना पिसा जीरा और अमचूर। अमचूर मैं कम डालूँगी, क्योंकि मैंने इमली का जो पेस्ट गाढ़ा करके रखा है वो बहुत ही खट्टा है। आप चाहें तो 1 चम्मच डाल सकते हैं, मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। और इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों, आप इसे छान सकते हैं, बट मैं नहीं छानती हूँ, क्योंकि जो धनिया और पुदीने का जो इसमें थोड़ा वो आता है मुंह में क्रंच सा, वो मुझे अच्छा लगता है। तो आपके ऊपर है, आप इसे छान सकते हैं। मुझे पानी अभी और चाहिए, क्योंकि अभी मेरे बेटे ने चखा था तो ये कह रहा था कि मम्मी बहुत ज़्यादा खट्टा और नमक हो गया है, तो मैं पानी और डालती हूँ। तो दोस्तों, आप छान लीजिएगा। मेरा बेटा पीछे से मना कर रहा है, नहीं मम्मी मत छानो, ऐसे ही अच्छा लगेगा। जो ये पुदीना और धनिया दिख रहा है आपको, ये उसे गोलगप्पे में और मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए इसमें पानी और मिला लेते हैं थोड़ा, और मिला के इसे तैयार कर लेते हैं। तो आप भी घर में रखे हुए चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाइए, बाहर मत जाइए। लीजिए, पानी डाल दिया मैंने, और तो ये आधा लीटर से ज़्यादा हो गया, 700 साढ़े 700 ग्राम के लगभग हो गया ये हमारा पानी, और ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो ये मैंने सर्व कर दिया है, और अगली डिश जो मैं लाऊंगी वो गोलगप्पे की लाऊंगी। और इससे पहले मैंने मीठी चटनी की रेसिपी डाली है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चटनी में ढूंढ सकते हैं, और आपको मिल जाएगी इमली की सौंठ या इमली की चटनी। तो दोस्तों, आपका भी कोई तरीका हो पानी पूरी की पानी बनाने की तो मुझे ज़रूर बताइएगा। घर में रहिए, सेफ रहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो, नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।